गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ 3 काट ए इज इक्वल 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यानी आपको दिया गया है 3 काट ए इज इक्वल 4 और आपको चेक करना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इक्वल हैं कि इक्वल नहीं है। देखते हैं, गिवन है आपका 3 काट ए इज इक्वल 4, ये वैल्यू आपको सिर्फ दिया है और आपको प्रूव कर देना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल होगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये आपको चेक करके वैल्यू बतानी है। तो 3 काट ए इज इक्वल 4 दिया है, इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं काट ए इज इक्वल 4 अपॉन 3 और काट का फार्मूला जानते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी फॉर्म करेंगे जिसमें बेस को हम 3, बेस को हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे और परपेंडिकुलर को 3। आप देख रहे हैं ए के लिए बेस आपका एबी और ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी की वैल्यू हमने 4 और 3 रख दी। अब आप देख रहे हैं इसकी एक साइड एसी आपको हाइपोटेनियस मालूम नहीं है। हाइपोटेनियस मालूम करने के लिए आपको पीजीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एसी स्क्वायर इज इक्वल एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, वैल्यू को पुट कर दीजिए 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल 25। तो एसी इज इक्वल आपको क्या मिल गया 5, यानी अननोन साइड आपने पता कर दिया एसी इज इक्वल 5। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू आप देख सकते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट किस रेशियो की है, टेन की है और कास की है और साइन की है। टेन ए और कास ए और साइन ए फार्मूले की सहायता से इसकी वैल्यू निकाल दी जाएगी। आपको ध्यान देने वाली बात, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर आपका 3 और बेस क्या हो जाएगा 4, टेन ए की वैल्यू 3 अपॉन 4, सिमिलरली कास ए की वैल्यू 4 अपॉन 5 एंड साइन ए की वैल्यू 3/5। ये नोट कर लिया वैल्यू। अब एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू हम अलग अलग फाइंड कर देंगे। आइए एलएचएस में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। टेन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 अपॉन 4, वैल्यू को पुट कर दीजिए 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 और फिर आपको इज इक्वल क्या मिलेगा 7/16 अपॉन 25/16। ये सबट्रैक्ट किया गया है, सबट्रैक्ट करने पर आपको ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगा 7/25। क्लियर। इसके बाद आरएचएस की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। आरएचएस में क्या है दिया है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कास ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4/5 और साइन ए की वैल्यू निकाल चुके हैं 3/5। दोनों वैल्यू को हम यहां पर पुट कर दे रहे हैं 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर आपको 16/25 माइनस 9/25 प्राप्त हो रहा है। सबट्रैक्ट करने पर 7/25। अब आपने देखा कि जो एनएचएस का वैल्यू था वही आरएचएस का वैल्यू मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं एनएचएस इज इक्वल आरएचएस और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर। यानी दोनों की वैल्यू 7/25 मिलने पर LHS इज इक्वल RHS होने पर आपका ये जो है वेरीफाइड हो रहा है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टेन इज इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दिया गया है, आप देख रहे होंगे। सबसे पहले इसमें दिया है ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल बी पर है, तो ट्राइंगल एबीसी हमने बनाया
और एबीसी में राइट एंगल किसको दिखाया, बी को, और दिया है टेन इज इक्वल वन अपान रूट थ्री, जो कि फार्मूले से परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर ए के लिए आपका बी सी वन हो गया और बेस कितना हो गया रूट थ्री। इसमें भी आप वही चीज देख रहे हैं, एक अननोन साइड एसी आपको पता नहीं, एसी को पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे आप। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैल्यू को पुट कर दीजिए, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल आपको क्या मिल रहा है, थ्री प्लस वन इज इक्वल फोर, और एसी का वैल्यू आपको मिल रहा है टू। क्लियर। अब आपने अननोन साइड निकाल दिया। आप फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू बताने के लिए साइन ए की वैल्यू आप अपने फिगर में देखें, फिगर में देखें साइन ए की वैल्यू, फार्मूला आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए के लिए परपेंडिकुलर वन, हाइपोटेनियस अभी निकाला टू, तो ये आपका वन अपॉन टू। और इसी प्रकार कॉस सी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सी के लिए बेस लाइन आपका वन और हाइपोटेनियस टू, वन अपॉन टू। इसी प्रकार कॉस ए की वैल्यू रूट थ्री बाई टू एंड साइन सी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, वैल्यू को रख दिया गया और सॉल्व करने पर वन अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल हो गया फोर अपॉन फोर इज इक्वल वन, यही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के वैल्यू बताने हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, सभी की वैल्यू आप रख देंगे, कॉस ए कॉस सी की वैल्यू साइन ए साइन सी की वैल्यू, वैल्यू रखने पर आपको सॉल्व करने पर रूट थ्री बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई फोर इज इक्वल जीरो के बराबर रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल रहा है। ये दोनों पार्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के वैल्यू बताने थे जो कि यहाँ फाइंड किया गया। ध्यान देने वाली बात, सिर्फ आपको ध्यान कितना देना है, ध्यान ये देना है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बना है, एंगल ए के लिए आपको बेस पहचानना होगा और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर पहचानना होगा। ए के लिए बेस लाइन आपका एबी है और ए के लिए परपेंडिकुलर लाइन आपकी बीसी है। फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूले की सहायता से उसकी वैल्यू को आप रख देंगे और वैल्यू को रख कर सिर्फ आपको सिंप्लीफाई कर देना है, सॉल्व कर देना है। ओके।